हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, मेन एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसमें आप क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट लिख सकते हो और कैसे केस लॉ ऐड कर सकते हो, ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कंसिड्रेशन का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रा क्या होता है। उसका मीनिंग है, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, ओनली अ पर्सन हु इज़ अ पार्टी टू सूट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई केस करने का कोई भी राइट नहीं होता, क्योंकि वो थर्ड पर्सन यहाँ पे स्ट्रेंजर्स पर्सन होता है। ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इफ़ पार्टी ए प्रोमिस बी टू पे ₹100 टू दी थर्ड पार्टी सी, यहाँ पे 10 अ एंड ए एंड बी कैन सू ईच अदर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टी हैं, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ₹100 देने का, अगर इसमें दोनों में से ए या बी में से कोई भी ब्रीच करता है वो कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे दोनों में से एक पार्टी को राइट है। इधर ए इज़ गोइंग टू फाइल या बी इज़ गोइंग टू फाइल इफ़ समवन ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो भी ब्रिज करेगा उनके केस में अदर पार्टी को राइट है, बट सी हैज़ अ नो राइट टू फाइल अ केस बिकॉज सी इज़ अ स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नोन एज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक मीनिंग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन पार्ट। फॉर एन कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट टू प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, हाउ एवर अ स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। The law does not allow a stranger to file a suit on the contract. The right is available only to person who is a party to the contract and is called the doctrine of privity. ये हमने मीनिंग में ऑलरेडी कवर किया है। तो दोस्तों, एक केस लॉ हम लोग देख लेते हैं। केस लॉ टेलर कंपनी, यहाँ पे टेलर कंपनी टेलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, उसने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है सम अमाउंट के लिए। जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसका, सपोज फॉर एग्जांपल वी विल थिंक रिगार्डिंग दैट, यहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा है कि आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे 300 में ही बेचोगे तो ही हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का गुड्स है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो रिटेलर्स ने उसमें 300 जो प्राइस फिक्स किए थे उसकी 250, तो ₹50 यहाँ पे लॉस हुआ। इसीलिए द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेलर कंपनी ने रिटेलर्स के ऊपर केस सूट किया, बट यहाँ पे कोर्ट ने जजमेंट पास आउट किया कि द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ नो राइट बिकॉज ऑफ रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ था और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर के साथ हुआ था। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द रिटेलर्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, पीटर हैज बोरो सम मनी फ्रॉम जॉन। पीटर ओन्स अ प्रॉपर्टी एंड डिसाइड टू सेल इट टू अर्जुन। अर्जुन प्रोमिस टू पे जॉन ऑन बिहाफ ऑफ अ पीटर। हाउएवर इफ अर्जुन फेल्स टू पे देन जॉन कैनॉट सू सिंस अर्जुन इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी हैज़ एक्सेप्शन दैट अलाउ स्ट्रेंजर टू द इन्फोर्सिंग टू क्लेम्स गिवन बिलो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी कहता है कि थर्ड पर्सन को कोई भी राइट नहीं है अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो थर्ड पर्सन हैज़ अ नो राइट टू आस्क फॉर द रिमेडी या फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पार्टी। बट यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि उसके लॉ में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो एक्सेप्शन हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन को राइट नहीं देती, बट एक्सेप्शंस में थर्ड पर्सन हैज़ जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है
उनको भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, वो भी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, बट ऑट वॉन्ट कंडीशन और वॉट सर्कमस्टांसेस दैट थर्ड पार्टी हैज अ राइट। तो ये पांच टाइप की सर्कमस्टांसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इन बिटवीन में अगर थर्ड पार्टी को भी राइट दिया जाता है टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पार्टी, इवन दो दैट पार्टी इज नॉट नॉट एक्चुअल पार्टी, दैट पार्टी इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन ऑल्सो दैट पार्टी हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर द रिमेडी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है ट्रस्ट, सेकेंड वन फैमिली सेटलमेंट, देन थर्ड वन असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और इस्टॉपल, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। तो दोस्तों ट्रस्ट यहाँ पे अगर इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड अनादर पार्टी, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पार्टी है, एक ट्रस्ट में ट्रस्टी हो जाएगा और दूसरा है बेनिफिशियरी, देन द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट कैन सू बाय इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर द ट्रस्ट इवन इफ ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ट्रस्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अर्जुन्स फादर हैड एन इलीजिटिमेट सन रवि, यहाँ पे एक अर्जुन्स फादर अर्जुन के पिता है, उनका एक इलीजिटिमेट सन है, उसका नाम रवि है। तो अर्जुन के फादर रवि और अर्जुन के फादर है वो मरने से पहले एक एग्रीमेंट करते हैं उनके बेटे के अर्जुन के साथ कि मेरे मरने के बाद में ही जस्ट पुट इन वन कंडीशन, अर्जुन इन पोजिशन ऑफ हिज स्टेट विद अ कंडीशन दैट अर्जुन उड पे रवि एन अमाउंट 5 लाख एंड ट्रांसफर हाफ ऑफ द स्टेट इन रविज नेम वंस ही बिकम अ 21 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे रवि जब 21 ईयर्स का हो जाएगा तब यहाँ पे अर्जुन को प्रॉपर्टी और 5 लाख रुपीज़ और हाफ ऑफ प्रॉपर्टी रवि के नाम करनी है। बट आफ्टर रवि ने 21 ईयर एज कंप्लीट कर लिया था, फिर भी उनको वो 5 लाख और हाफ ऑफ इस्टेट नहीं मिली, इसीलिए रवि फाइल अ सूट फॉर रिकवरी। रवि ने फाइल किया यहाँ पे कि मुझे वो अमाउंट दी गई थी तो पापा के द्वारा, वो उसकी रिकवरी करने के लिए उन्होंने उसके ही ब्रदर के अर्जुन के ऊपर केस फाइल किया। कोर्ट का डिसीजन ये आया, द कोर्ट हेल्ड दैट अ ट्रस्ट वॉज फ्रेम विद रवि एज अ बेनिफिशरी फॉर अ सर्टन अमाउंट एंड शेयर ऑफ द स्टेट, हैंस रवि हैड द राइट टू सू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अर्जुन एंड हिज फादर इवन दो ही वॉज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वो पार्टी नहीं है फिर भी उसके पास राइट है केस करने का, तो उसे रिकवरी मिल जाएंगे। यहाँ पर फैमिली सेटलमेंट, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर अ फैमिली अरेंजमेंट टू बेनिफिट अ स्ट्रेंजर पर्सन नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन द स्ट्रेंजर कैन सू इन हिज ओन राइट एज अ बेनिफिशरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे पेटर प्रोमिस नैन्सीज फादर दैट ही वुड मैरी नैन्सी और इल्स वुड पे 50,000 एज अ डैमेजेस, इवेंचुअली ही मैरिड सम, यहाँ पे उसने थर्ड पर्सन के साथ मैरिज कर लिया था, फिर भी नैन्सीज फाइल अ केस अगेंस्ट पेटर विच वॉज हेल्ड बाई दी कोर्ट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फैमिली अरेंजमेंट विथ नैन्सी एज अ बेनिफिशरी, तो वो मांग सकती है वो 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अनादर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, दोनों ब्रदर में अगर फैमिली अरेंजमेंट मतलब द फैमिली वेंट थ्रू अ पार्टीशन एंड पार्टीशन अगर हो भी जाता है, अगर उनके घर में कोई भी बहन है तो उनका जो भी मैरिज के लिए खर्चा वगैरह होगा इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो यहाँ पे दोनों ब्रदर्स की जिम्मेदारी है कि थर्ड पर्सन रितिका जो है इस केस में द केस बिकॉज रितिका वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोविजन डिस्पाइट बींग अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे वो दोनों ब्रदर से जो भी एक्सपेंसेस है फॉर द मैरिज के लिए वो मांग सकते हैं, बिकॉज इन बिटवीन में दोनों भाइयों के अंदर रितिका इज द ओनली पर्सन हु इज़ अ बेनिफिशियरी इन द कॉन्ट्रैक्ट। देन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट, अगर आपने को किसी भी एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एजेंट इम्प्लाइडली वो कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करता है, तो इसीलिए अगर एजेंट के साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देन ऑल्सो प्रिंसिपल हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर द रिमेडी अगर उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन देन ही कैन सू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट नॉमिनी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डू नॉट हैव दिस राइट, बट ओनली यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ नॉमिनीज होते हैं उनके पास राइट नहीं होते।
ऑफिशियल रिसीवर, अगर कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है तो यहाँ पे कोर्ट अगर ऑफिशियल रिसीवर उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करता है तो उनके पास राइट होता है वो कि वो प्रॉपर्टी सील करना या उसे बेच देना, ये ऑफिशियल रिसीवर ही इज़ अ ओनली थर्ड पार्टी, देन ऑल्सो दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर दी, वो सेल करने के राइट्स के पास आ जाते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट और इस्टॉपल डेप्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। पेटर गिव्स 1000 टू जॉन टू पे अर्जुन, जॉन अकोनॉलेज एक्सेप्ट द रिसिप्ट ऑफ फंड्स टू बी पेड टू अर्जुन, हाउ एवर ही फेल टू पे हिम, अर्जुन कैन सू जॉन फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। यहाँ पे सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज विजय माल्या, उन्होंने जो एजुकेशन के नाम पे लोन लेके दूसरी साइड में चला गया, फिर भी अगर विजय माल्या के फ्रेंड से सपोज तो उन्होंने अगर 500 करोड़ रुपीज़ बैंक को देने के लिए करार किया होगा, एक्नॉलेजमेंट दिया होगा, तो यहाँ पे उसके बाद में वो बोल सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ विजय माल्या वी आर गोइंग टू पे 500 करोड़ रुपीज़ ऑन बिहाफ ऑफ विजय माल्या टू। तो उन्होंने अगर SBI के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाद में जाके SBI को विजय माल्या के फ्रेंड ये नहीं बोल सकते कि हमने वो तो कॉन्ट्रैक्ट SBI के साथ किया ही नहीं और हमको तो पैसे मिले ही नहीं तो हम लोग कैसे देंगे SBI को, तो ये आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग योर एक्नॉलेजमेंट और इस्टॉपल फॉर दैट डेप्ट। थैंक यू।